द वेब सीरीज द ब्रोकन न्यूज नी बीजी सीजन 3 मे ना रोज रिलीज थई रही छे, जेना प्रमोशन अर्थे अभिनेत्री सोनाली बेंद्रे अने श्रेया पिलगांवकर अमदावाद नी मुलाकाते आव्या अने गुजरात फर्स्ट साथे खास वातचीत करी। વાતાવરણમાં ગરમી છે, રાજકીય ગરમાવો છે અને ચૂંટણીનો માહોલ છે અને ચૂંટણી ટાણે ગુજરાત ફર્સ્ટ તમને એક એવી વસ્તુ બતાવે કે જે ચૂંટણીલક્ષી ખૂબ છે અને એક એવી વેબ સિરીઝ છે કે જે ન્યૂઝ ને પોલિટિક્સને લઈને છે અને ઝી ફાઈવ પર 3 મહિના રિલીઝ થઈ રહી છે, જેનું ટ્રેલર રિલીઝ થઈ ગયું છે, જે સેકન્ડ પાર્ટ આવી રહ્યો છે, જે આઈ એમ શ્યોર તમે જોયું હશે। નામ છે બ્રોકન ન્યૂઝ 2। ફર્સ્ટ પાર્ટ જોયો છે ને? મારી સાથે અમીનાજી અને રાધા ભાર્ગવજી છે, આઈ મીન સોનાલી બેન્દ્રે અને શ્રીયા પેલગાંવકર છે। સો ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ આપણે શરૂઆત કરીએ એમના એક્સપિરિયન્સ જાણીને સોનાલી મેમ। So, how was your experience working as Amina? Oh, it was fantastic. मैं ऐसे इस किस्म के किरदार की बहुत दिनों से मैं वेट कर रही थी, क्योंकि जब मैंने बहुत सालों से फिक्शन किया नहीं था, तो जब मैंने फिक्शन किया तो उस टाइम मैं चाहती थी कि इस किस्म का किरदार हो जहाँ पे it would be my age, I would be playing my age, I would, and that doesn't mean I should be looking dowdy, or I it would be a glamorous age. And you can't doubt Amina is glamorous and a strong character. And more than anything else, I really wanted the character to be relevant today. And I think Amina is relevant today. No, I would definitely agree, because ek channel hit and you know, Amina is like soft-hearted and also that strong. And she believes in truth. So wo character aur aapka character kitna match karta hai? I think Amina ke samne agar koi challenge aata hai aur agar koi struggle hai, agar koi cheez चेंज हो रही है, शी राइजेज अप टू द चैलेंज, एंड दैट आई थिंक इज वेरी सिमिलर टू सोनाली आई वुड से, क्योंकि मुझे लगता है कि जब भी कोई चैलेंज आया है वहां से सिर्फ मैंने कुछ सीखा है और आगे बढ़ी हूँ, एंड इट्स बीन एक्साइटिंग। उस समय नहीं लगता है एक्साइटिंग, उस समय स्ट्रेस होता है, लेकिन इट्स ओनली बीन गुड आफ्टर दैट। सो आई थिंक अमीना कहीं पे वही सिमिलैरिटी है अमीना और सोनाली। नाउ माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर श्रिया मैम। श्रिया मैम, टेल मी समथिंग, राधा भार्गव का किरदार आपने जब प्ले करना शुरू किया, जो पूरा एक कैरेक्टराइजेशन पे वर्क होता है, सो व्हाट वाज दैट जर्नी? वेल ऑनेस्टली वर्किंग विद द डायरेक्टर हु रियली अंडरस्टैंड्स दैट स्क्रिप्ट रियली वेल, कहानी इतनी अच्छी लिखी गई है दैट इट्स ऑल देयर इन द स्क्रिप्ट। और राधा बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि यू नो शी इज डिस्कवरिंग हरसेल्फ इन दिस वर्ल्ड ऑफ न्यूज रिपोर्टिंग, एंड ऑन वन साइड अमीना ने दिए हुए प्रिंसिपल्स और वैल्यूज हैं, वो ट्रेनिंग है, एंड ऑन द अदर साइड वो दीपांकर जयदीप अलहावत के साथ भी काम कर चुकी है। सो आई थिंक शी इज ऑन द कस्प ऑफ जस्ट trying to understand what kind of a news reporter and a journalist she wants to be. And first season mein jaise humne dekha the system fails her, wo jail jati hai kyunki wo sach kehna chahti hai aur koi sach nahi sunna chahta, but season 2 mein she is back with a bang, because abhi wo kisi ki baat nahi sunne wali, usko jo hurt hai, uska jo gussa hai, usse wo bahut sari cheeze karti hai which go out of control, which is very unpredictable, but wahi twists and turns are what make season 2 really exciting. Broken news. Okay, just one word, like talked a lot. Okay, so both of you, I'm gonna ask you one thing, कि अभी इलेक्शन आ रहे हैं तो आप लोगों को क्या कहोगे इलेक्शन के बारे में, बिकॉज ये भी काफी थोड़ा पॉलिटिकल एंगल वाला है और काफी जो मतलब जो हम लोग ये फील्ड में, बिकॉज वी नो दैट बहुत कुछ कह जाता है, जो फर्स्ट पार्ट भी था, सेकेंड पार्ट भी आई एम श्योर होगा, तो उसके बारे में क्या कहोगे? आई थिंक देर इज वन पार्ट ऑफ इलेक्शन, इट्स नॉट जस्ट पोलिटिकल, और वो है कि ये आपका फंडामेंटल राइट है, और इस राइट को जो आज हमें ये जो राइट मिला है उसके लिए बहुत लोगों ने बहुत कुछ सैक्रिफाइस किया है, तो उसका रिस्पेक्ट करना और ध्यान में रखना कि बहुत सारे सैक्रिफाइसेस हुए हैं, बहुत ज़रूरी है। इसलिए मैं कहूँगी कि प्लीज़ अपना वोट का इम्पोर्टेंस जानिए और उसको ज़रूर जाके वोट कीजिए, और बहुत सारे फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं इस टाइम, तो मैं उन फर्स्ट टाइम वोटर्स से कहूँगी कि शायद ये जनरेशन यंग है, उनका उतना कनेक्शन नहीं रहा है कि यू नो फ्रीडम स्ट्रगल बहुत पीछे लगता है, लेकिन थोड़ा उसके बारे में पढ़िए और देखिए कि क्या हीरोज रहे हैं जिन्होंने अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया है इस राइट के लिए। सो रिस्पेक्ट दैट एंड गो आउट एंड वोट एंड बी रिस्पॉन्सिबल व्हेन यू वोट। डेफिनेटली। एंड श्रिया मैम, हम बाहर जाते हैं, हम यूथ को पूछते हैं कि व्हाट्स योर टेक ऑन इलेक्शन, व्हाट्स योर टेक ऑन पॉलिटिकल पार्टी, कुछ ऐसा है कि वन साइड वे है, कुछ ऐसा है कि वी आर लीस्ट इंटरेस्टेड, वी डोंट वांट टू टॉक अबाउट इट, उनसे आप क्या कहोगे?
वेल लाइक सोनाली मेंशन दैट बहुत लोगों ने हमारे फ्रीडम में फ्रीडम के लिए बहुत स्ट्रगल किया है सो यू कैन नेवर टेक एनी ऑफ दिस फॉर ग्रांटेड ये हमारे लाइफ और हमारे देश का सवाल है सो मैं यही कहूंगी कि डोंट वोट जस्ट बिकॉज़ समवन इज टेलिंग यू टू वोट अंडरस्टैंड दैट इट इज इम्पोर्टेंट टू वोट एंड इट इज योर फंडामेंटल राइट सो प्लीज डू गो आउट एंड वोट Definitely. And one last thing. This is Gujarat First. And we are also launching Hind First, Rajasthan First, MP First and many other firsts in other languages. So your best wishes for that. All the best to Gujarat First for all the other launches that they are doing. Thank you so much. Your best wishes. All the best Gujarat First for all the other launches. Thank you so much, ma'am. Thank you. And all the best for the series. Thank you. तो आता सोनाली मैम मैंने श्रिया मैम एंड इट वॉज सुपर फन टॉकिंग टू धैम बिकॉज न्यूज रिलेटेड हो एटले डेफिनेटली एक हार्ट में अलग जगह हो फर्स्ट पार्ट एट हार्ट टचिंग तो एटली मजा आए थ्रिलर ने अमेजिंग एक्सपीरियंस आई एम श्योर सेकंड पर एट मस्त हे जो चूकता नहीं आप फरी मिलीशू कैमरामैन विक्की साथ